नामांकन के लिए घर से निकले मनीष सिसोदिया आज नामांकन करने जाएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि नामांकन से पहले पदयात्रा और बाइक रैली भी मनीष सिसोदिया की प्रस्तावित है। दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, ये बात मनीष सिसोदिया ने कही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आए, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लगातार ये दावा करते रहे कि जो वादा हमने किया था दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, उसमें कई गुना इजाफा किया गया है। दिल्ली के लोग अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ये दावा है मनीष सिसोदिया का। एक्साइटमेंट है और खुशी भी है इस बात की कि तैयारी पूरी है, पूरे 5 साल ठीक से पढ़ाई की है, तो अब ज़्यादा नर्वसनेस नहीं है, पर एक एंग्जाइटी तो रहती है एग्ज़ाम के वक्त वाली। और मुझे खुशी है कि पटपड़गंज से मुझे तीसरी बार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनने का मौका मिल रहा है। मार्जिन क्या देखिए इस बार, हर बार से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस बार जैसे हम स्कोर कार्ड की बात करें, शिक्षा मंत्री से मैं इस तरह सवाल कर रहा हूँ, इस बार सारे सब्जेक्ट्स में और अच्छे नंबर मिलेंगे, पिछले बार से ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। सर क्या रोड शो की क्या तैयारी है, मतलब पदयात्रा करेंगे? कुछ दूर पदयात्रा करेंगे, उसके बाद एक बाइक रैली निकालते हुए हम इलेक्शन ऑफिस पहुँचेंगे।